हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा न्यू पैटर्न वर्ड रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं इस समय सभी बैंकिंग एग्जाम्स में, इंश्योरेंस एग्जाम्स में और इवन बैंक क्लर्क एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्री और मेंस में। तो इनको मैं डिस्कस करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए जिससे आप कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर सकें। अब देखिए, वर्ड रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं इसमें भी काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे वेरियंट हैं इसके भी। तो इसमें मैंने कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं, इनको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, एक वीडियो क्लास में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक सेंटेंस में चार वर्ड दिए रहते हैं और चार वर्ड्स की जो पोजीशन रहती है वो इम्प्रॉपर रहती है, गलत रहती है, उस पोजीशन को आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये देखिए, एक अलग तरीके का क्वेश्चन पैटर्न है। इसमें आपको क्या करना है, एक सेंटेंस दिया है और तीन वर्ड इसमें बोल्ड में दिए हैं। अब ये तीनों वर्ड्स सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग। और इन तीनों वर्ड्स का एक दूसरा सेट यहाँ पर ऑप्शन के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो तीनों को आपको इससे, हो सकता है इससे चेंज करना पड़े, इससे एक्सचेंज करना पड़े, इससे करना पड़े, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन में से इसको हो सकता है चेंज करना पड़े। और यदि आपको लगता है कि ये जो सेट ऑफ वर्ड्स है ये सही है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड का इसमें ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ई इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये तीन वर्ड दिए गए हैं, तीन की जगह ये चार भी दे सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन में चार वर्ड भी आ सकते हैं, दो वर्ड भी आ सकते हैं, पांच वर्ड भी आ सकते हैं, ज़्यादा यदि कॉम्प्लिकेटेड उसको किया जाए मेंस के लेवल का, ठीक है। लेकिन आपका जो अप्रोच है, आपका जो कॉन्सेप्ट को करने का कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका है वो सेम रहेगा। देखिए, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग इंट्रीग, अकाउंटिंग इंट्रीग मतलब इंट्रीग रिलेटेड टू अकाउंट। एक्चुअली इंट्रीग का मतलब क्या है, इंट्रीग का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। तो क्या षड्यंत्र को या कॉन्स्पिरेसी को अकाउंटिंग के साथ आप रिलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये इनएप्रोप्रिएट है। यहाँ पर अकाउंटिंग के साथ आप क्या वर्ड जोड़ सकते हैं, अकाउंटिंग के साथ आप अकाउंटिंग एक्यूरेसी, अकाउंटिंग इनएक्यूरेसी, इस तरह के वर्ड्स आप जोड़ सकते हैं। यानी ये वर्ड यहाँ पर गलत है। जब एक वर्ड यहाँ पर गलत है तो इसका मतलब ये दो वर्ड भी गलत होंगे, क्योंकि तीनों को ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल एक को आपको सही करना है, यदि एक गलत है तो तीनों वर्ड वहाँ पर गलत होंगे। यानी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ऑप्शन यहाँ से आपने कट कर दिया। अब इसमें देखते हैं नीचे क्या आ सकता है। एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग इंट्रीग दैट मेक्स द बुक लुक रोजी विल कम एट द कॉस्ट ऑफ, इसमें क्या बात हो रही है, इसमें ये बात हो रही है कि यदि आप अकाउंटिंग डेटा के साथ फ्रॉड करते हैं, डेटा को ऊपर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बुक्स, आपकी जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं वो बहुत रोजी लगने लगती हैं। रोजी मतलब अट्रैक्टिव, रोज यहाँ पर एक्चुअली फिगरेटिव सेंस में इसको यूज़ किया है, अट्रैक्टिव लगने लगती हैं। अट्रैक्टिव लगने लगती हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बुक्स में आप प्रॉफिट दिखा देते हैं, प्रॉफिट नहीं है वहाँ पर, लॉस हो रहा है, लेकिन आपने उसको डेटा को ऊपर नीचे करके वहाँ पर प्रॉफिट दिखा दिया, इसलिए बुक्स रोजी लगने लगी, रोजी मतलब अट्रैक्टिव लगने लगी। तो ये चीज गलत है। एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग इंट्रीग दैट मेक्स द बुक रोजी लुक रोजी विल कम एट द कॉस्ट ऑफ, यदि आप ऐसा करते हैं, यदि ऐसा किया जाता है तो इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ इनएक्यूरेसी विद विच बैंक रिफ्लेक्ट देयर फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, बैंक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इनएक्यूरेसी के साथ थोड़ी रिफ्लेक्ट करेगा, वो फाइनेंशियल कंडीशन, एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन बैंक की नहीं होती, फाइनेंशियल हेल्थ होती है बैंक की, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, एक वर्ड यहाँ पर दिया है चिकनरी, तो चिकनरी का मतलब भी फ्रॉड होता है या डेटा को ऊपर नीचे करना, ठीक है, डिसीव करना, ट्रिक करना, ये चिकनरी का मतलब होता है। यदि आप ये वाला ऑप्शन लगाएं इसमें, चिकनरी वाला, तो देखते हैं इसको करके, एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग चिकनरी, चिकनरी का सेंस बन रहा है, ठीक है, और चिकनरी चूंकि सिंगुलर है और यहाँ पर मेक्स आ रहा है, यहाँ पर मेक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ड आपको चाहिए, तो ग्रामर के हिसाब से भी चिकनरी वर्ड यहाँ पर सही है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर जो नाउन आएगी
मेक्स के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि मेक्स सिंगुलर है, एस लगा हुआ है, इसलिए इसमें नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहां पर टेक्निक्स नहीं आ सकता क्योंकि टेक्निक्स प्लूरल है, ठीक है, टेक्निक्स वाला ऑप्शन इसमें गलत हो गया आपका, टेक्निक्स नहीं आएगा यहां पर। तो ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली दोनों ही तरीके से चिकनरी वर्ड सही है। दैट मेक्स द बुक लुक रोजी विल कम एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, वॉट का आंसर चाहिए, वॉट का आंसर नाउन होता है और नाउन है एक्यूरेसी, ठीक है, विद विच बैंक रिफ्लेक्ट देयर फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए इसका मतलब क्या है कि यदि आप चिकनरी को अप्लाई करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उसकी एक कॉस्ट है, फिर उसके उस चिकनरी यदि आप करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी विद विच बैंक रिफ्लेक्ट देयर फाइनेंशियल हेल्थ, फिर आपको सारे डेटा को एक्यूरेट करके दिखाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल हेल्थ किसी भी बैंक की दिखाते हैं। तो यहां पर यदि आप देखें तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए टेक्निक्स मैंने बताया था कि टेक्निक्स नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आगे वाली जो वर्ब है ये सिंगुलर है, तो टेक्निक्स वाला ऑप्शन चला गया, एलिमिनेट कर दिया। ऐसे भी मैं बता देता हूं आपको, नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन चला गया क्योंकि इंट्रीग का यहां पर कोई सेंस नहीं है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। चिकनरी वाला सही है। आप देखते हैं सबटरफ्यूज वर्ड सही है, लेकिन कंसिस्टेंसी एट द कॉस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच बैंक रिफ्लेक्ट देयर फाइनेंशियल कंडीशन, क्या मतलब हुआ इसका कि कंसिस्टेंसी के थ्रू बैंक रिफ्लेक्ट करती है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, कंसिस्टेंसी वर्ड यहां पर सही नहीं है। और करेक्शन वर्ड भी सही नहीं है, एक्यूरेसी वर्ड सही है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर यदि आप साउंड देखें तो ये साउंड वर्ड यहां पर नहीं आएगा, फाइनेंशियल साउंड नहीं बोल सकते सॉरी तो यहां पर एक्चुअली फाइनेंशियल क्या है, एडजेक्टिव है, फाइनेंशियल यहां पर एडजेक्टिव है, यहां पर आपको नाउन चाहिए, तो साउंड नाउन नहीं है, साउंड एडजेक्टिव है, साउंडनेस अगर होता तो यहां पर आ जाता। तो देखिए मैं कैसे बता रहा हूं कि एलिमिनेट करके भी बता रहा हूं, मैं आपको ग्रामर के हिसाब से भी बता रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी बता रहा हूं। तो यदि आप ये अप्रोच रखेंगे कि दो दो तीन तीन पैरामीटर पर अपने आंसर को आप चेक करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, एक्यूरेसी लेवल उसमें बहुत हाई होगा। तो सारे पैरामीटर्स मैंने चेक करके आपको बताए और चिकनरी, एक्यूरेसी एंड हेल्थ, ये वाला जो ऑप्शन है ये इसमें बिल्कुल सही फिट हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन गलत है और इसका आंसर होगा सी। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं द एक्चुअल रीजन दैट लेड टू द, मतलब एक ऐसा कारण जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू मिला, द एक्चुअल रीजन दैट लेड टू द ब्रेक थ्रू ऑफ द करेंट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़े के लिए आप ब्रेक थ्रू वर्ड यूज नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़ा मतलब ये नेगेटिव टोन में लिखा हुआ है, ब्रेक थ्रू एक पॉजिटिव वर्ड है। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जैसे किसी फील्ड में आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं और आपको सफलता मिल जाती है, एक बड़ी सफलता, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू तो एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये पैराग्राफ जो लिखा है ये नेगेटिव टोन में है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एक नेगेटिव वर्ड है, ब्रेक थ्रू यहां पर नहीं आएगा। तो ब्रेक थ्रू के लिए हम क्या वर्ड लगा सकते हैं, क्या एमिशन वर्ड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। एमिशन का मतलब ये केमिस्ट्री में यूज होता है, गैस, गैस का छोड़ना, एमिट करना, उस सेंस में ये यूज होता है, तो एमिशन नहीं आएगा। आउटब्रेक डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का शुरू हो जाना, झगड़े का, किसी आग का, किसी भी चीज का। आउटब्रेक एक्चुअली नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस में ये यूज हो सकता है, नॉर्मली नेगेटिव सेंस में ये यूज होता है। अब देखिए प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस, चूंकि इसका नेगेटिव टोन है तो इसलिए यहां पर नेगेटिव वर्ड आएगा, और नेगेटिव वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस मतलब जिसमें काफी दुश्मनी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये आ सकता है यहां पर कंटेंशियस प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस इन विच द पिटिशनर्स अलीज्ड दैट सम इंडिविजुअल्स वर के साथ यहां पर आईएनजी फॉर्म भी चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म प्लॉटिंग में है, आईएनजी फॉर्म प्लॉटिंग टू इन्फ्लुएंस द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इस केस में कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि इस केस में कुछ लोग क्या कर रहे थे कि वो प्लान कर रहे थे, कंस्पायर कर रहे थे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करके अपना डिसीजन बदलवा सके। तो प्लॉटिंग डेफिनेटली यहां पर एकदम सही वर्ड है, कंटेंशियस बिल्कुल सही वर्ड है क्योंकि ये नेगेटिव टोन में है। आउटब्रेक एकदम से फैलना नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए एमिशन गैसेस के सेंस में यूज होता है, इरप्शन, इरप्शन ज्वालामुखी का जैसे इरप्शन होता है, ये ज्योग्राफी में ये वर्ड यूज होता है।
ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड केस के साथ नहीं आएगा। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है किसी चीज के अपोजिट होना। जैसे एक ए है और एक बी है, तो ए का ओपिनियन बी से पूरी तरीके से अलग है, या आप बोल सकते हैं कि ए का ओपिनियन बी के ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों का ओपिनियन अलग अलग है। तो केस के सेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी केस कहना गलत होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी केस आप नहीं बोल सकते, आप कंटेंशियस केस बोल सकते हैं जिसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी डिस्प्यूट इन्वॉल्व है, ठीक है। कास्टिगेटिंग, कास्टिगेटिंग का मतलब होता है क्रिटिसाइज, तो कास्टिगेटिंग यदि आप यहाँ पर लगाएंगे, कास्टिगेटिंग मतलब क्रिटिसाइजिंग टू इन्फ्लुएंस द सुप्रीम कोर्ट, कोई सेंस नहीं बनेगा। प्लॉटिंग का सेंस है, ये सारी चीज़ें जैसे मैं बताता हूँ आपको कि इसका सेंस बनेगा यहाँ पर, इसका सेंस नहीं बनेगा। इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप रीडिंग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक एक स्पॉन्टेनियस सेंस क्रिएट हो जाएगा, एक लैंग्वेज को समझने का, लैंग्वेज को पढ़ने का, फील करने का एक सेंस क्रिएट हो जाता है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इसलिए रीडिंग रेगुलर बेसिस पर करना बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, और बी यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इन बिजिंग का मतलब तो इमेजिन करना होता है, तो इमेजिन करना, इन्फ्लुएंस करना, नहीं, यहाँ पर इसका सेंस नहीं बनेगा। प्लॉटिंग यहाँ पर एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फॉलोइंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद, फॉलोइंग मतलब उसके बाद, और पॉलिटिकल प्रेशर के बाद, प्रेशर वर्ड पॉलिटिकल के साथ सही है। एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हरिडली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन को पहले ड्राफ्ट किया जाता है, तो ये तो सही है। यहाँ पर जलीकट्टू इज नाउ बैक ऑन द पोंगल कैलेंडर, ये जलीकट्टू इशू काफ़ी अखबारों में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों वर्ड सही लग रहे हैं, तीनों वर्ड सही हैं, इसमें चेंज की ज़रूरत आपको नहीं है। इसमें आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद, तो उसके लिए फॉलोइंग वर्ड सही है। पॉलिटिकल प्रेशर, जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हरिडली ड्राफ्टेड, जल्दी जल्दी में एक लेजिस्लेशन बनाया गया, उसके बाद जलीकट्टू को वापस से पोंगल कैलेंडर में स्थान दे दिया गया। ये एक इशू था जलीकट्टू, काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी, इसके बारे में आप डिटेल में अखबारों में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ई, क्वेश्चन नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये वर्ड जो दिए हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर सही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर अफ्रेड दैट द मेजर इज ऑब्जेक्टिव, नहीं, मेजर इज ऑब्जेक्टिव, देखिए मेजर का मतलब होता है कोई भी उपाय, कोई भी सॉल्यूशन करना, तो सॉल्यूशन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब हुआ इसका, टू ग्रांट इम्यूनिटी टू द पुलिस एंड टू द मिलिट्री एज वेल एज टू फाइन क्रिटिक्स, नहीं, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये वर्ड है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें। अफ्रेड तो एक बार आ भी सकता है, लेकिन डेफिनेटली इसका सेंस नहीं बन रहा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन लगा के देखते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर एप्रीहेंसिव, देखिए अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स डरे हुए हैं, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। इसके स्थान पर एप्रीहेंसिव वर्ड सही होगा। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि चिंतित हैं, कंसर्न हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। एप्रीहेंसिव वर्ड अफ्रेड से अलग है, अफ्रेड का मतलब डरना, जबकि एप्रीहेंसिव का मतलब डरना भी और चिंतित भी होना, तो एप्रीहेंसिव वर्ड यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। एप्रीहेंसिव का पेयर यहाँ लगा के देखते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर एप्रीहेंसिव दैट द मेजर इज, चूंकि यहाँ पर इज लगा है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, तो थर्ड फॉर्म भी इसमें दी है। मेजर इज इंटेंटेड, और यहाँ पर चूंकि टू लगा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इसमें दी है। पीनलाइज, क्रिटिक्स को हम नॉर्मली पीनलाइज करते हैं, फाइन नहीं लगाते, नॉर्मली पीनलाइज करते हैं उनको, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर एप्रीहेंसिव दैट द मेजर इज इंटेंडेड, मतलब ये जो उपाय है, ये जो उपाय किया गया है, इसका पर्पज जो है वो ये है कि ये इम्यूनिटी दे देता है पुलिस को, कि पुलिस अगर कोई गलत काम भी करे तो उसको छूट मिल जाती है। टू ग्रांट इम्यूनिटी टू द पुलिस एंड द मिलिट्री एज वेल एज टू पिनलाइज क्रिटिक्स, तो ये जो मेजर है ये पुलिस को और मिलिट्री को इम्यूनिटी देता है और क्रिटिक्स को पिनलाइज करता है। इसी वजह से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के जो लोग हैं वो एप्रीहेंसिव हैं, वो चिंतित हैं, वो कंसर्न हैं, तो इसमें ए जो है ये सही है यहाँ पर ऑप्शन।
ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रामर के हिसाब से भी मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म यहाँ पर ये सही है। एम्ड के बाद तो एट आता है, तो एम्ड वर्ड नहीं आएगा, टू सपोर्ट क्रिटिक्स नहीं आएगा। ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस रीडिंग से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन आप लगाइए, हैप्पी लगाइए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर हैप्पी दैट द मेजर मेजर इज मेड टू ग्रांट इम्यूनिटी टू द पुलिस। देखिए, यदि पुलिस को हम छूट देते हैं, कोई भी उपाय पुलिस को छूट देता है नियम कानून को तोड़ने की, तो इससे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैप्पी थोड़ी होंगे, इससे तो वो नाराज होंगे। तो हैप्पी का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। हैप्पी वर्ड गलत होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एप्रिहेंसिव। देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको जो करके बताता हूँ उसमें लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करता हूँ, ग्रामर को अप्लाई करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट को अप्लाई करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करके तब मैं आंसर निकालता हूँ। और इस तरीके से आप ये आप अप्रोच रखेंगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल जो होगा बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत हाई आपका रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। द साइकिल कम्स ईच पासिंग ईयर विद द लैग अमंग प्राइस एंड प्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पर दो एंटिटी दी हैं, एक प्राइस और एक प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमंग जो है यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अमंग दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है, तो यहाँ पर बिटवीन ही आ सकता है, यहाँ पर अमंग नहीं आ सकता। क्या इसमें सेकेंड ऑप्शन में बिटवीन का ऑप्शन दिया है? सेकेंड ऑप्शन में बिटवीन का ऑप्शन दिया है, इसका मतलब यही इसमें आंसर हो सकता है, और कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दो एंटिटी के लिए बिटवीन के अलावा और कोई वर्ड नहीं आ सकता। अब यदि आप इसको लगा के देखें तो ये सही हो जाएगा। द साइकिल रिपीट्स, रिपीट सही है, एस लगेगा इसमें क्योंकि साइकिल सिंगुलर है। द साइकिल रिपीट ईच पासिंग ईयर विद द लैग बिटवीन प्राइस एंड प्रोडक्शन कॉजिंग अ ह्यूज मिसमैच। एक मिसमैच कॉज होता है, तो कॉजिंग वर्ड भी यहां पर सही है, बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो इसमें भी आपका डी जो आंसर है ये सही है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। मैंने पांच ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने की कोशिश की है, अप्रोच को मैंने समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चाहे आप रियल एग्जाम दे रहे हैं, इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को करना है। एक्यूरेसी लेवल को आपको हाई करना है, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे उनको आपको स्किप करना है, और एक्यूरेसी लेवल को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंकिंग एग्जाम देना है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।